बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई प्रे टू अल्लाह ताला मे प्रोटेक्ट अस ऑल। टुडे वी डू अर्थ साइंस वर्क। क्लास थ्री, नाउ ओपन योर साइंस बुक्स। आर यूनिट नंबर इज सिक्स, मैटर एंड मटेरियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज आर प्रीवियस लेक्चर। इन आर प्रीवियस लेक्चर वी रीड अबाउट गैसेस। हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सी गैसेस पाई जाती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, ओके? इसी तरह से हमने गैस के एटम्स के बारे में पढ़ा था कि गैस के एटम्स यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि जितनी उन्हें स्पेस मिलती है, जितनी जगह मिलती है, वो उतनी जगह में फैल जाते हैं। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि अगर किसी कंटेनर में या किसी चीज़ में गैस को फिल किया जाए तो वो उसकी शेप ले लेते हैं। जैसे कि बलून में अगर गैस को फिल किया जाए तो वो उसकी शेप ले लेंगे, ओके? नाउ टर्न योर पेज। इसी तरह हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा था कि सॉलिड चीज़ें जो होती हैं, ठोस चीज़ें, उनके पार्टिकल्स, एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ओके? और उनकी ख़ास शेप होती है। इसी तरह से लिक्विड के बारे में पढ़ा था कि इनके पार्टिकल्स भी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन अगर इन्हें सेपरेट किया जाए तो ईजीली किए जा सकते हैं। इसी तरह से अगर इसे किसी कंटेनर में लिक्विड को डाला जाए, जैसे कि मिल्क को, जूस को, वाटर को, किसी जग में या ग्लास में, तो वो उसकी शेप ले लेते हैं। इसी तरह से गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि ये आज़ादाना तौर पर स्पेस में पाए जाते हैं और फैल जाते हैं। और अगर इन्हें भी किसी कंटेनर में फिल किया जाए गैस को, तो वो उसकी शेप ले लेते हैं। नाउ ओपन योर साइंस नोटबुक एंड रेडी योर नोटबुक। Mention your date, classwork and day. Your writing should be neat and clean and one finger gap in your words. Unit number 6, matter and materials. Answer the question. Your question number 1 is, write a short note on liquid and matter. आपने liquid and matter के ऊपर एक short note write करना है. Answer is liquid. Does not have a definite shape. Liquid की कोई खास shape नहीं होती. Has a definite mass and volume, और ये एक ख़ास mass and volume रखते हैं। Takes the shape of its receptacle, यानी कि किसी भी अगर container में इसे fill किया जाए तो ये उसकी shape ले लेते हैं। Matter, अब आपने matter के बारे में write करना है। Anything that takes up space is matter, ऐसी चीज़ें जो space रखती हैं यानी कि जगह घेरती हैं उन्हें matter कहते हैं, okay? आपने इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में राइट करने के बाद अच्छी तरह से लर्न करना है। नाउ ओपन योर साइंस वर्कबुक। ऑन पेज नंबर 19 मेंशन योर डेट, होमवर्क एंड डे। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं और ऊपर आपके एक बॉक्स है पेज पर जहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है और ब्लैंक में वर्ड राइट करने हैं, और एक वर्ड जो है एक से ज़्यादा मरतबा आपका रिपीट हो सकता है। नाउ टर्न योर पेज। On page number 21, mention your date, homework and day. यहाँ पर कुछ boxes दिए गए हैं जहाँ पर different आपकी pictures बनी हुई हैं। आपने colors करने हैं इन boxes में, red, green and yellow color। आपने चीज़ें देखनी हैं कि जो चीज़ें आपकी solid हैं उसमें आपने कौन सा color करना है, yellow। इसी तरह से gas, जो gases हैं उसमें आपने green color fill करना है, और लिक्विड में रेड कलर फिल करना है, ओके? आपने अपने होमवर्क और क्लास वर्क को अच्छी तरह से लर्न करना है। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। अल्लाह हाफिज़।